हम सभी ने वेद पुराण की कथा सुना है, तो रामायण से लेके भागवत सभी जगह पे सुनने को मिलता है, लेकिन उसमें यह भी हम सुने हैं कि पूरे विश्व का निर्माण करने वाले रचयिता का नाम भगवान श्री विश्वकर्मा है। डोंबिवली में मौजूद हैं और भगवान श्री विश्वकर्मा का महापुराण चल रहा है। महापुराण का कथा करने वाले पंडित जयंती भाई शास्त्री जी महाराज हैं, जो लोगों को भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किए गए काम का जो रचना है, जो उन्होंने किया, इन सभी चीजों का पुराण के रूप में कथा कर रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं। पंडित जी से ही जानेंगे कि जब सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा सभी देवी देवताओं के अस्त्रों से लेके शस्त्रों तक, घरों से लेके सभी चीज का निर्माण किए, पूरे विश्व का निर्माण किए, फिर भी कहीं ना कहीं आज विश्वकर्मा वंशी एक तरीके से निचले तबके में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विश्वकर्मा कथा कह रहे हैं, लोगों में एक तरीके से अवेयरनेस भी फैला रहे हैं विश्वकर्मा वंशियों में खास करके, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा वंशी अगर देखा जाए तो पुराणों में लिखा गया है कि एक विश्वकर्मा वंश का बच्चा पैदाशी ब्राह्मण होता है, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? आप सभी को जय विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पुराण आदि पुराण है। भगवान विश्वकर्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और विश्वकर्मा के पांच पुत्र जो है मनु, मई, पष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, शास्त्रों में वर्णित है कि ये सभी ब्राह्मण ही है, मगर समय काल के प्रभाव या अज्ञानतावश जो भी कहे, उन लोगों ने, पांच पुत्रों ने जो ब्रह्म धर्म है, यज्ञोपवीत, शिखा, स्नान, संध्या, धीरे धीरे कम होने लगे, तो उसकी जो एक पहचान थी, आज भी पूरे भारतवर्ष में कई विश्वकर्मा के बड़े बड़े विद्वत जन पंडित हैं, मगर कहीं न कहीं एक बात यह भी है कि सब कथाएं लोगों तक पहुंची है, मगर विश्वकर्मा कथा बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा कारण है। मगर भगवान की कृपा से आखिरी 25 सालों से मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, विश्वकर्मा वंशजों के बीच जाता हूँ, ये कथा सुनाता हूँ, उसका कुल गौरव क्या है वो बताता हूँ। पंडित जी, कुछ दिनों पहले पूरे विश्व में एक डंका बजा, राम नाम का डंका, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान हुए, सभी मीडिया से लेके प्रधानमंत्री से लेके पूरे विश्व में इसका डंका बजा, लेकिन आपके ही मुखबिंदु से हमने सुना है कि विश्वकर्मा वंश से ही रघुकुल की उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से बताएंगे, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, क्योंकि क्षत्रिय कहते हैं कि हमारे कुल से थे, कुछ और लोग कहते हैं कि हमारे कुल से थे, लेकिन आपके मुखबिंदु से सुनने मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे वो विश्वकर्मा कुल से रघुकुल कुल की उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से सभी चीज़ों को देखते हैं? सही बात बताई है आपने। आज जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो हम बातें करते हैं, वो एक वर्ण व्यवस्था शास्त्र में है, जाति भेद नहीं है, ये तो आज हमने रखा है जाति भेद, वो एक वर्ण व्यवस्था है। और जब बात रहती है विश्वकर्मा और राम के बीच की, तो श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का आप पठन कीजिए और विश्वकर्मा पुराण का पठन कीजिए, भगवान सूर्यदेव का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संध्या देवी से हुआ था, जो स्वयं दुर्गा का अंश थी, और वहीं से ये वंश चला, वो सूर्य वंश कहलाए, तो राम सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं, तो वही सूर्य वंश कहलाया रघु राजा तक। जब सूर्य वंश में रघु राजा हुए, बड़े पराक्रमी, और वही रघु राजा से फिर यो वंश जो है रघुवंश कहलाया। श्रीमद् भागवत के आधार से, विश्वकर्मा पुराण के आधार से आप देखिए तो सूर्य की 61वीं पीढ़ी में भगवान राम का प्रागट्य हुआ है,
तो सूर्यवंश भगवान विश्वकर्मा की बेटी संध्या देवी से चला है। तो ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, जो शास्त्र में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। नवमस्कंद ने कहा है कि वही वंश आगे चला है और जिसमें भगवान राम का प्रागट्य हुआ है। और 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा, राम लल्ला का जो मूर्ति प्रतिष्ठा हुआ वो बड़ी खुशी की बात है। और इतने सालों तक हमें इंतजार करना पड़ा, वो हमारा एक दुर्भाग्य था, मगर जैसे राम करते वैसा ही सब होता है। पंडित जी, एक लास्ट सवाल, विश्वकर्मा वंशी जो हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि विश्वकर्मा भगवान एक ऐसे आराध्य हैं जो देवी देवताओं के भी काम आए थे और पैदाइशी पंडित हैं, तो युवाओं से क्या अपील करेंगे? मैं विश्वकर्मा, सभी युवा बंधु और सभी विश्वकर्मा बंधुओं को, आप ब्राह्मण तो है ही, वो तो ठीक है, सभी लोग जन्म से तो शूद्र ही होते हैं, फिर उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं फिर वो ब्रजत्व प्राप्त करते हैं। तो वर्णवाद की बात छोड़िए, ब्रह्म तत्व क्या है उसे प्राप्त करना पड़ता है। मगर मैं विश्वकर्मा बंधुओं को कहूँगा कि आप विश्वकर्मा के संतान हैं, श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हुआ है, साथ साथ भगवान विश्वकर्मा प्रभु जी ने आपको जो कला दी है, जिस कला के माध्यम से आप पूरे विश्व को विश्राम दे सकते हैं, चाहे मंदिर निर्माण हो, मस्जिद निर्माण हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, किसी का आवास निवास हो, सभी का निर्माण विश्वकर्मा के वंशज ही करते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कारपेंटरिंग, फैब्रिकेशन, जो विश्वकर्मा के देन है, विश्वकर्मा की कला है, विश्वकर्मा के वंशजों में डीएनए में है। आप पढ़े लिख कर भी आप इंजीनियर बन सकते हो, मगर विश्वकर्मा के वंशज जन्मजात इंजीनियर है, उसे किसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं ने कला दी है। तो मैं विश्वकर्मा के वंशजों को ये भी कहूँगा कि कारपेंटरी या फिर लोहे का या फिर कसेरे का जो आप काम करते हो वो काम कोई निम्न नहीं है, आपके लिए वो बड़ी गौरव की बात है कि भगवान ने आपको ये कला दी है। और कला के लिए मार्कंड पुराण में कहा गया है, कला काष्ठादि रूपिणी परिणाम प्रदायनी, देवी के लिए ऐसा कहा गया है कि जो कला है, कला के द्वारा अब जो निर्माण करते हो वो भी देवी की एक उपासना है। तो विश्वकर्मा वंशजों के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि जो कला भगवान विश्वकर्मा ने उनको दी है उसका सम्मान करना चाहिए, और उसी से ही आप जगत के लोगों को विश्राम देते हो, इसलिए आप धन्य हो। सुना आपने, ये थे पंडित शास्त्री जी, जिन्होंने महापुराण विश्वकर्मा कथा अपने मुखबिंदु से कहते हैं, और इन्होंने कई ऐसे दोहे बताए भागवत के जो ये सिद्ध करता है कि श्री रामचंद्र जी की शुरुआत और उनकी शुरुआती जो पीढ़ियां हैं वो भगवान विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ था। तो विश्वकर्मा वंशजों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि वो एक ऐसे वंशज हैं जिसमें देवी देवता अपितु सभी लोग विश्वकर्मा वंशजों के कायल होने चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा वंशज के बिना सब कुछ अधूरा है। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज थाने। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।